समीर वानखेड़े पर FIR दर्ज हो गई है। वानखेड़े पर शाहरुख खान से 25 करोड़ वसूलने की साजिश करने का आरोप है, लेकिन क्या इन आरोपों के बाद से समीर वानखेड़े, वीवी सिंह और आशीष रंजन के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए अन्य केसों पर कोई असर पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले साल NCB से जुड़े एक अज्ञात अधिकारी ने NCP नेता नवाब मलिक को चिट्ठी लिखी। उसमें 26 केसों का जिक्र हुआ, जिसमें से एक केस रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा था। तब दावा किया गया था कि इनमें आरोपियों को गलत फंसाया गया। चिट्ठी में लिखा था, वानखेड़े ने दिनेश चौहान को करण अरोरा, जैदविला अब्बास लखानी के कबूलनामे में रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा आदि का नाम लिखने को कहा है, लेकिन चौहान ने इस पर इनकार कर दिया। समीर ने चौहान को ऑपरेशन के कार्यभार से मुक्त कर वीवी सिंह को ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा। इन दोनों ने मिलकर NDPS की धारा 27A का दुरुपयोग किया और बेकसूर लोगों को फंसाया। हालांकि सिंह को पिछले हफ्ते ही नौकरी से बर्खास्त किया गया। आपको याद होगा कि मलिक ने चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की, तब वे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उन दिनों मलिक के आरोपों को वानखेड़े के साथ निजी रंजिश के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले हफ्ते CBI ने RN केस में जो FIR दर्ज की, उसमें मलिक के पिछले साल लगाए गए आरोपों की काफी बातें मिलती हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में जब समीर वीवी सिंह द्वारा सुपरवाइज किए गए सभी केसों का मुकदमा शुरू होगा, क्योंकि अब इन अधिकारियों की जांच संदेह के घेरे में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।